राधे राधे दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंट टाइप के व्रत के पकोड़े। ये पकोड़े खाने में तो बहुत टेस्टी हैं और आप सबको ज़रूर बहुत पसंद आएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन, कश्मीरी सेब, हरी मिर्च और पम्पकिन यानी गोल वाला जो घिया है उसके पकोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाने। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हुए हैं बैंगन और साथ में ये पम्पकिन है, हरी मिर्च और ये है कश्मीरी सेब। ये आम सेबों की तरह ही दिखते हैं लेकिन ये टेस्ट में खट्टे होते हैं और हम पकोड़े बनाने के लिए इसका ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सब्जियों को काट लेते हैं। ये मैंने पम्पकिन ले रही हूँ, इसका हम ये पीछे का स्किन जो है इसे हम निकाल लेते हैं। और ये ऊपर से भी हम इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। और ये है बैंगन, इसे हमने काफी पतला काटना है इस प्रकार से। ये आप देखिए, मैं इन्हें इस तरह से काट रही हूं। और अब हम एप्पल को भी काट लेते हैं। मैंने काटने से पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर सुखा के रखा हुआ है और एप्पल के भी हम ऐसे पतले पतले स्लाइसेस करेंगे। ये देखिए आप, हमने इस प्रकार से एप्पल को काटना है। हरी मिर्च को हम बीच में से काट लेते हैं। ऐसे काट के हम इसे भी डाल लेंगे और ये जो हमारा पम्पकिन है इसके भी हम पतले पतले पीसेस बना लेते हैं। हमने सभी सब्जियों को पतला ही काटना है, इससे हमारे पकोड़े जो हैं वो काफी अच्छे बनेंगे। ये देखिए आप, और इसी प्रकार से हम सारी सब्जियों को काट लेते हैं। और ये देखिए, हमारी सभी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट चुकी हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ एक चम्मच से थोड़ा कम सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत के लिए पकोड़े बना रहे हैं तो इसमें हम नॉर्मल नमक नहीं बल्कि सेंधा नमक ही यूज़ करेंगे। और मैं मिर्च डाल रही हूँ इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डालिए। मैं एक चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ और साथ में हम इसमें डालेंगे सिंगाड़े का आटा। सिंगाड़े या कुट्टू का आटा जो भी आपको मिले आप उसके पकोड़े बना सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम। मैं इसमें सिंगाड़े का आटा थोड़ा और डाल रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें आटा डालें, क्योंकि हमने इसका गोल काफी पतला नहीं बनाना है। इस प्रकार से हम इसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। और आप ये देखिए, हमारे जो पकोड़ों का मिक्सचर है इस तरह से तैयार हुआ है। इसमें हमने सिंगाड़े का आटा जो है इस प्रकार से कोट किया हुआ है। और यहाँ मैंने एक पैन में घी लिया हुआ है, ये गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके ये पकोड़े इसमें डाल लेते हैं। ये
गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है। क्योंकि अगर हम इन्हें ज़्यादा तेज आंच में बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। और यहाँ हमारे जो पकोड़े हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। इन्हें हम निकाल लेते हैं। मैं इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ, इससे जो भी इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकल जाएगा। और इसी तरह से हमने बाकी के पकोड़े भी बना लेने हैं। अगर आपको कश्मीरी एप्पल नहीं मिले तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आप बाकी वेजिटेबल्स को लेकर भी पकोड़े बना सकते हैं व्रत के लिए। और ये हमारे टेस्टी व्रत के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें दही के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी तो पसंद आई होगी, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।